अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्रो मिनरल्स इन विच सोडियम, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस द मिनरल कैल्शियम, फास्फोरस. इंशाल्लाह टुडेज वी विल कवर मैक्रो मिनरल्स एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस माइक्रो मिनरल्स. Sodium is a electrolyte and primary function of the sodium is to control the fluid balance in the body or maintain an acid-base balance for the transmission of the nerve impulse. Most of the sodium is absorbed in large and small intestine by active transport, and energy is provided through sodium-potassium pump for active transport, and most of the sodium is found in extracellular fluid compartment. The amount of sodium in the extracellular compartment or ECF is regulated. High intake or over consumption of sodium can increases the chances of developing hypertension, heart disease, stroke. Also increases the calcium doses. So high intake of the sodium is also affect the bones. Both deficiencies and overconsumption of the sodium affect the body fluid balance. In case of diarrhea, vomiting, dehydration, the loss of sodium or the sodium deficiencies can occur, but in most of cases the excess of sodium is common problem. In case of vomiting, diarrhea, dehydration, when sodium deficiencies occur, then acid is lost, or in some cases statin is developed due to alkalosis in case of sodium deficiency. But when starvation or faulty metabolism, then acid is more developed that causes the acidosis, or mostly common in case of diabetes. सोडियम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, और मेन इसका रोल जो है वो बॉडी के एसिड बेस बैलेंस में, नर्व फंक्शन में, बॉडी फ्लूड्स वगैरह में होते हैं. इसी तरह अगर इसकी डेफिशिएंसीज वगैरह हो, वो किस में कॉमन होती है कि अगर वॉमिटिंग है या डिहाइड्रेशन है, वेदर जो है वो ज़्यादा हॉट है जिसकी वजह से उनकी जो स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा हो गया और लॉसेज हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो उसमें फिर जो सोडियम का लॉस होगा. और सोडियम की अगर डेफिशिएंसीज को देखा जाए तो वो इतनी कॉमन नहीं होती जितनी इनकी ओवर कंजम्पशन या एक्सेस जो है ना सोडियम की, वो ज़्यादा कॉमन होती है. इसी तरह जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो इसके लिए फ़ौरन हम रिकमेंड करते हैं कि आप ORS वगैरह लें, ताकि आपको जो भी बॉडी के फ्लूड्स वगैरह हैं वो मेनटेन रहें. इसी तरह अगर इसकी ओवर कंजम्पशन है, तो उसमें हार्ट इशूज़ वगैरह, हाइपर टेंशन और किडनी इशूज़ जो है वो मोस्ट कॉमन है. फिर उसके बाद एडिमा होने शुरू हो जाता है. एक नॉर्मल पर्सन भी है, अगर उसकी ओवर वो
हेल्दी पर्सन जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ओवर कंजम्पशन है उसकी सॉल्ट की, तो अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो फॉर लॉन्ग पीरियड और फॉर एग्जांपल फॉर 3 और 4 और के लिए, तो उसमें वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना सोडियम इंटेक जो है वो लेस करें। इन सोडियम की जो अब्जॉर्प्शन होती है मोस्टली ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी होती है, और जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं उसके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसके अब्जॉर्प्शन में। और जो मोस्टली सोडियम होता है वो ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। जब सोडियम का इंटेक ज़्यादा होता है तो किडनी के थ्रू जो इसकी स्क्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कि जो एक्सेस सोडियम होगा उसको बॉडी से रिमूव करेगी। इसी तरह अगर कम है कंजम्पशन या बॉडी में जो सोडियम है वो कम है, तो जो ब्लड में सोडियम है वो कम है, तो देन हार्मोन एल्डोस्टेरोन होगा वो इनहिबिट करेगा सोडियम की स्क्रीशन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बेसिकली वो फ्लूड होते हैं जो सराउंड करते हैं ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। बेसिकली सेल के अराउंड में जो फ्लूड होगा उसको हम कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है। पोटाशियम इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज प्रेजेंट इन इंट्रा सेलुलर फ्लूड लाइक सोडियम डेट मेंटेन्स द फ्लूड लेवल आउटसाइड द सेल, पोटाशियम मेंटेन्स द फ्लूड लेवल विद इन द सेल। विद इन साइड द सेल द मोर पोटाशियम देन सोडियम एंड आउटसाइड द सेल मोर सोडियम देन पोटाशियम। इफ दिस बैलेंस इज अपसेट देन एडिमा इज अकर और द फ्लूड रिटेंशन। पोटाशियम इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स मसल कंट्रैक्शन। लाइक सोडियम पोटाशियम अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन केस ऑफ डायरिया वॉमिटिंग और द एक्सेसिव यूज ऑफ द लैक्सेटिव इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन देन पोटाशियम डेफिशंसी अकर। एंड सिम्टम ऑफ द पोटाशियम डेफिशिएंसी इज नोजिया वोमिटिंग मसल वीकनेस और हार्ट इश्यूज टैकीकार्डिया इंक्रीजेस द हार्ट रेट। इन हार्ट फेलियर रीनल फेलियर और एक्सेसिव इंटेक ऑफ द पोटाशियम कैन कॉज द हाई ब्लड लेवल ऑफ पोटाशियम।
फ्लोराइड इज अ इलेक्ट्रोलाइट दैट प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूड्स एसिड बेस बैलेंस. इट इज फाउंड इन और प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस ACL CSF मसल्स नर्व टिश्यूज और इट हेल्प द ब्लड टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड इज प्ले रोल इन और नेसेसरी ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज. लाइक सोडियम पोटाशियम क्लोराइड इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. डेफिशंसीज ऑफ द क्लोराइड इज रेयर मोस्टली इन केस ऑफ सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट और वॉमिटिंग डायरिया देन डेफिशंसी. Sulfur is necessary for all body tissues found in all body cells and necessary for the metabolism. Deficiencies and excess level of the sodium is very rare, of sulfur is very rare. Magnesium or the magnesium is vital to both hard and soft body tissue, essential for metabolism, regulation of the nerves, muscles, including heart, and play a role in blood clotting process. Like other minerals, the absorption of the magnesium is take place in small intestine and large intestine through active and passive transport. Active form of the vitamin D also help in the absorption of the magnesium. Magnesium deficiencies can causes the irregular heartbeat, disorientation, nausea, vomiting, seizures. Excessive loss of the magnesium is through urine or in case of vomiting, diarrhea. सोडियम पोटाशियम कैल्शियम सल्फर क्लोराइड मैग्नीशियम ये सारे मैक्रो मिनरल्स और मेजर मिनरल्स हैं और इनमें से जैसे सोडियम है पोटाशियम है इनकी अगर डेफिशिएंसीज वगैरह या इनका जो मेन फंक्शन है वो फ्लूड बैलेंस और नर्व ट्रांसमिशन. इसी तरह पोटाशियम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का भी यही मेन फंक्शन है. अगर इनकी डेफिशिएंसीज वगैरह हो तो जो फ्लूड बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा. अगर जैसे सोडियम ज़्यादा होगा तो अडीमा और हार्ट इश्यूज़ किडनी इश्यूज़ हाइपरटेंशन और इसी तरह अगर इनकी डेफिशिएंसीज होंगी वो किस इसी तरह जो सल्फर है उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा या कम होगा ये रेयर होता है कि डेफिशिएंसीज उनकी रेयर ही होती है कि अगर हो या ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा हो. इसी तरह जो मैग्नीशियम है जब हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को डील करते हैं तो उनमें उनके सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम फास्फोरस इन सब के लेवल्स को हम देखते हैं कि क्या ज़्यादा है कौन कौन सा मिनरल जो है वो कम हो रहा है.
तो इसी तरह मेन जो ये सारे मेजर मिनरल्स हैं, ये ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी अब्जॉर्प्शन होती है, और उसके